हलचल टूडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति। अक्सर साढ़े जहन च आता जदों पत्रकारी की गल आती है तो असी अक्सर ये सोचते हैं कि पत्रकारी जिहड़ी आ जिहड़े लोग अज दे, क्योंकि एक समा सी जदों असी गाणियां नूं सुणदे सी ते गाणियां दे बोल सुणदे सीगे ते अक्सर ये गल सामने आउंदी हुंदी सी कि जो नौजवान पीढ़ी सुनना चाहुंदी है असी ओह उहनां दे अगे रखीदा। उही सेम चीज़ जिहड़ी आ पत्रकारी दे विच दोहराउणी शुरू हो गई है कि जो नौजवान पीढ़ी देखना चाहुंदी है मीडिया जिहड़ा ओह चीज़ दिखा रहा। ये किन्ना क सच ते किन्ना क झूठ है कि मीडिया जिहड़ा ओह किहो जी जिहड़ा रोल आ अदा कर रहा, क्योंकि चौथा स्तंभ जिहड़ा ओह किहा जांदा मीडिया नूं ते जलंधर जिहड़ा ओह मीडिया दा हब मन्निया जांदा। पर जलंधर दी जे ना गल करिए असीं नैशनल टीवीज़ दी गल करिए जां नैशनल मीडिया दी गल करिए कि ओह ऑडियंस नूं की परोस रहा ते ऑडियंस उहनां तों की लै रही, क्योंकि अक्सर जिन्ने लोकां दे नाल असीं गलबात करदे हां ते हमेशा चर्चा दा विशा बणिया रहा पिछले दिनां दे विच सुशांत दी मौत दा। सुशांत की मौत के नाल नाल गुत्थियां जिहड़ियां जुड़दियां गईयां बहुत सारियां ड्रग्स तक गल आ गई। अज जिहड़ा रिसेंटली गल करिए तो दीपिका पादुकोण का भी नाम जिहड़ा ओह नाल जोड़ना शुरू कर दिता गया। पर मसला जिहड़ा ओह कि नौजवान पीढ़ी वाकई चीज़ां देखना चाहुंदी है, नौजवान पीढ़ी वाकई जिहड़े साडे पक्ष दे मसले ने जिहड़े साडे रोज़मर्रा दी जिंदगी दे मसले ने उहनां तों दूर हुंदी नज़र आ रही है, जां नौजवान पीढ़ी दे अग्गे सिर्फ परोसिया ही ओह चीज़ जांदा कि उहनां नूं मजबूरन ओह चीज़ देखनी पैंदी। सो ये सारे सवालों का जवाब लैण दे लई असी एक विद्यार्थन को आए हैं, साक्षी पाठक दे कोल, कि जिहड़ी खुद जर्नलिज्म कर रही है तो एक पत्रकारी नूं किस ढंग दे नाल देखदी है। सो साक्षी बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल। थैंक यू सो मच। पहला तो सवाल ही कड़ी जिहड़ी ओह इद्दे जुड़ जांदी है कि तुसीं भी जर्नलिज्म कर रहे हो, की सोच के जर्नलिज्म कर रहे हो ते की लगदा कि जर्नलिज्म असल दे विच है की है? सोचा तो बहुत कुछ था, 4 साल हो गए हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ते हुए, तो हम बेसिकली हमें एम पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। जो लोग छुपाना चाहते हैं, जो लोग नहीं दिखाना चाहते, वही चीज़ें हमने दिखानी होती हैं लोगों को। तो अब 4 साल हो गए पढ़ते हुए, तो एथिक्स से लेके ये सब सारी चीज़ें अगर हम सोचें, अगर मैं आज वो टीवी देखती हूँ ना तो वो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो 4 साल मैंने पढ़ा है क्या उन्होंने नहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली नहीं पढ़ा है, तुमने जर्नलिज्म नहीं की है, या आप कहीं ना कहीं ये भी लगता है मुझे कि ये लोग एजुकेटेड भी नहीं है, ठीक है। हमने एथिक्स 2 साल पढ़ पढ़ के कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती जिनसे लोगों कम राइट्स हों या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो हमें मना होती हैं। तो ऐसा अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, मैं अगर थोड़ी देर के लिए, मैंने इंटर्नशिप की थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो आप अपने एथिक्स लेके आते हैं ना बीच में, ये अपना सिर्फ अपनी क्लास तक ही सीमित रखें, ये ना आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ना, ये जॉब जब आप करते हैं तो ये कहीं काम नहीं आती। तो तब बहुत दिल जो ना बहुत दर्द किया और टूटा एक तरह से। सोचा बहुत कुछ था कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है, कि वो चीज़ें दिखा जो लोग छिपाना चाहते हैं, लेकिन आज ये टीवी देख के कि 1 हफ्ता हो गया है, आप बता रहे हैं कि रात को रिया इतने बजे जेल के अंदर उन्होंने पैर रखा, इतने बजे उन्होंने खाना खाया, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, मतलब ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। लोग अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं, TRP इनकी ज़्यादा है, अगर आप उनके लिए ऑप्शंस ही नहीं रखोगे, हर एक चैनल 4 चैनल हैं वही चीज़ दिखा रहे हैं। अगर Day 1 की बात करें ना, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि मुझे सुशांत के बारे में नहीं देखना, ठीक है, हम सिंपथेटिक हैं कि क्या चीज़ें हैं, तो वो पुलिस को काम करने दो, CBI को काम करने दो, लेकिन Day 1 अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा ना कि मुझे नहीं देखना है, अब Day 4 पे आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आपको दिखाया वो जा रहा है, अच्छा कल इन्होंने कहा था कि ये भी बीच में है, अच्छा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी बीच में, पता नहीं क्या कुछ। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता, हम पढ़ते हैं ना कि ये पब्लिक के लिए अच्छी होनी चाहिए, हम अगर कुछ छापना चाहते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो, इसमें कुछ फ़ायदा आपको भी नहीं दिख रहा होगा, लोगों को पता है ये सच कि कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इससे, कि CBI अपना काम करे, अगर वो गिल्टी है तो उन्हें जेल में डालें, पर मीडिया को इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताना कि ये ही है वो दरिंदे ये वो, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। जबकि ये नहीं लगता कि मीडिया नूं जिथे अग्रेशन्स दिखाने चाहिए, जिथे अग्रेसिवली बोलना चाहिए, जिहड़े मुद्दियां ते बोलना चाहिए, तो मीडिया अज दा जिहड़ा वो गवाचिया नज़र आ रहा, जां सानूं ही लगता जां तुहानूं भी लगता, क्योंकि तुसीं पत्रकारी कर रहे हो ते गां तुसीं भी फील्ड दे विच आउणा है ते लोकां दे विच विचरना है, कि लगता कि लोकां नूं किहड़ियां चीज़ां दे लई अवेयर करना चाहिए, किहड़ियां चीज़ां दिखाउणियां चाहीदियां ते किहड़ियां चीज़ां अज जिहड़ा मीडिया रोल जिहड़ा अदा कर रहा?
टीवी जर्नलिज्म की गल करिए तो टीवी जर्नलिज्म के हूँ जर्नलिज्म रह ही नहीं गया है। ठीक है, तुसी कुछ लभदे नहीं हो, इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो। तो हुण जिवें बहुत इंपोर्टेंट चीज़ चल रही है, हुण GDP हो गई, ठीक है, इहो जिहे मुद्दे, इकोनमी की गल कर लो, है ना। तो एक मैं ना भी लै लूँगी, कोई फर्क नहीं पैंदा, अर्नब विच कह रहा सी, किसी ने पूछा तुसी आह सुशांत केस ही चलाई जाने हो, हुण तुसी दसो कि ये GTB का मामला है। वो कहिंदा, उहदे एक्सप्रेशंस देखियो तुसी, वो छड्डो GDP, पूरा दुनिया ही थले डुब गई है, तो तुसी इंडिया की कदों गल कर रहे हो। आपां इंडिया दे विच रहने आ, सानू पता होना चाहिए है की इंपोर्टेंट है की इंपोर्टेंट नहीं। तो मैनू नहीं लगता कि ये लोगों लई बिल्कुल भी कारगर साबित होएगा। पीपल वॉन्ट टू नो की चल रहा है, ठीक है, इकोनमी कित्थे है, राइट्स की गल करिए, हुण जिवें किसानों का मुद्दा उठा है, ठीक है, तुसी वो दिखाओ कि किसान की चाहते हैं, तो जो पार्लियामेंट दे विच की होया, किद्दां पागलां वांग लड़ रहे सी सारे, तुहानूं पता ही है, तो वो चीज़ा दिखाओ ताकि लोगों को पता लगे कि आपां कित्थे स्टैंड कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि तुसी इंडिया नूं डीफेम कर रहे हो कि हाय मेरे देश नूं, इदां नहीं दिखाउणा कि इहदे विच ये हुंदा है, ये हुंदा है, कुड़ियाँ सुरक्षित नहीं है। तो ये सब चीज़ें दिखानी ज़रूरी हैं। अपने देश को आप तभी प्यार कर पाओगे जब आप उसकी बेटरमेंट की बात करोगे। छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा किसी को। किसान की गल की, तो किसान अज साडा सड़कां ते जिथे उन्हों कदे अन्नदाता कहा जाता से, अज अन्नदाता सड़कां ते आ गया, रोंदा कुरलौंदा पिया, पता नहीं अज हैगा जीउंदा जां कल नहीं होना, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट जिहड़ा जारी है। कि तुसीं भी जिक्र कर दिता सी, सारिआं ने भी देखिआ कि पार्लीमेंट दे विच जो हालात होए ने, सिर्फ हुण राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है, तो वह बिल जिहड़ा पास हो जाणा। की देखदे तुसीं इस चीज़ नूं, क्योंकि अज ही असीं देखदे पए सीगे ते लगातार एक हफ्ता होण लगा कि प्रोटेस्ट चल रिहा, पर नैशनल TV जिहड़ा सी ओह इह दिखा रिहा सीगा कि दीपिका पादुकोण जिहड़ी आ 2017 तो लैके रिया चक्रवर्ती नूं मैसेज कर रही सी, ड्रग्स मंग रही सी उहदे कोलों। इह किन्ना क वाजब आ कि एक यूथ नूं ते एक जिहड़ी दूसरी ऑडियंस आ साडी, क्योंकि हर एक तबके की ऑडियंस जिहड़ी ओह देखदी आ, हर एक चीज़ नूं गेन करन दी कोशिश करदी, तो चीज़ दिखाई जा रही है। दुख की बात ही यही है कि अगर ये सब मोर्चे चल रहे हैं, अगर किसान सड़कों पे आ गए हैं, तो उसे दिखाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, या तो आप इग्नोर कर रहे हो। अगर कुछ मीडिया दिखा रहे हैं तो उसे सिर्फ सरकार को पक्षपात करते हुए कि आप किसानों को आतंकवादी कह रहे हो, मतलब क्या खाओगे आप कल को, है ना। तो प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है, कि जो लोग जर्नलिज्म में ऑलरेडी है ना, अगर वो मैनेज करेंगे ना ऐसी चीज़ों को, एक मीडिया चैनल को चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मीडिया चैनल को ही चला रहा है, वहाँ पे आज भी हम जैसे यूथ जो जर्नलिज्म कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो कोई नहीं बैठा वहाँ पे, वो सिर्फ एंकर, ठीक है, आपको शक्ल अच्छी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको जॉब मिल गई। लेकिन जब तक उस पावर में मैनेज नहीं करेंगे ना, अगर हम जैसा यूथ जिन्हें पता है एथिक्स के बारे में, जिन्हें पता है कि क्या दिखाना चाहिए, तो वो जो जनरेशन है ना जो अब चला रही है, चाहे वो TV हो, प्रिंट हो, तो आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आर है कि हम जैसी जो जनरेशन है, जिन्हें पता है, अवेयर है, ये TV मुझे नहीं लगता, ये हम जैसे यूथ, अगर आपकी बात करें, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो नहीं देख रहे हैं ये TV, नहीं देख रहे हैं कि क्या सुशांत का अगला कदम क्या है। तो ऐसे लोग जिन्हें कुछ अवेयरनेस है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और लेकिन फॉर एग्जांपल अब पंजाब में, ठीक है, पंजाबी, वी शुड रिस्पेक्ट पंजाबी एंड ऑल, लेकिन और जो भाषा जो जानते हैं, उनके लिए एक तो पहले यहाँ पे जगह नहीं बन पाती, ठीक है। अगर पंजाबी वाले भी हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वेब पोर्टल्स देखे हैं, एंकर्स देखे हैं, जिन्हें खुद को पंजाबी ठीक से नहीं आती, तो हम जैसे जो युवा है, अगर ठीक है हमने कर ली जर्नलिज्म, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, ठीक है, हमें थोड़ी जगह तो मिलनी चाहिए, हमें स्पेस तो मिले कि हाँ यू कैन डू इंटर्नशिप ओवर हियर, या आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। वो लोग पहले ही बैठे हुए हैं, मैं अगर किसी के कहीं ट्राई करने गई थी तो उन्होंने कहा कि ये पोजीशन हम दे चुके हैं, एंड आई केम टू नो कि वो बच्चा, वो लड़की जर्नलिज्म फील्ड की है ही नहीं। तो मतलब ये वही बात होगी कि जैसे पॉलिटिशियंस थे, उनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाओ, वैसे ही अब अगर जर्नलिस्ट भी बिना पढ़े लिखे बिठा देंगे तो यही चलेगा सुशांत रिया। मतलब कितने ना कितने लगता कि अज का मीडिया जिहड़ा एक समा हुंदा सीगा जदों प्रिंट मीडिया का दौर सी, उदों TV नहीं सी हुंदे, ते प्रिंट मीडिया ओहो जी चीज़ दिखाउंदा सी जिहड़ी रेलीवेंट हुंदी सी लोकां दे लई, कि लोकां नूं समझ आउणी चाहीदी ते लोकां दे हित दी गल कर रहा, पर
ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਮਟਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਇਹ TRP ਦਾ ਦੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ TRP ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ TV ਨੂੰ ਵੀ TRP ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ TRP ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ TRP ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹੀ ਖਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆ। प्रिंट पे अभी भी मुझे लगता है हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी अखबार हैं ऐसे बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमें पता होनी चाहिए। टीवी तो मुझे अभी कोई खास उम्मीदें हैं नहीं इनसे बिल्कुल अखबारा ही पढ़ो तो ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये जो वो पुराना वक्त था ना, जब आप खबरें बिल्कुल शांत होके सुन, मतलब आपको पूरी लाइन समझ आती थी, अब आप टीवी पे या कहीं और सुनने बैठोगे ना तो वो सिर्फ चीखती आवाज़ें सुनाई देंगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये जो यूथ का इंटरेस्ट बनना चाहिए था ना ये न्यूज़ में, तो वो Page 3 ही देखेंगे। और मुझे ताजुब की बात ये लगती है कि कल एक TV चैनल पे दिखा रहे थे पूरा दिन यही वाला दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ये सब, और फिर उन्होंने कहा कि अब समय हो गया है बॉलीवुड न्यूज़ का। मुझे समझ नहीं आया कि आपने 24 घंटे वही बॉलीवुड न्यूज़ दिखाई है, अब आप एक घंटे में कौन सी ऐसी बॉलीवुड न्यूज़ दिखाएंगे। तो इसमें हम यूथ को ब्लेम करना छोड़ दें कि यूथ ऐसी चीज़ें नहीं देखती, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, TRP नहीं। अगर आप परोसोगे ही उनको थाली में ये सब तो उन्हें खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप उनसे कल को सवाल मत करना कि आप इसको वोट कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, उनको तो पता है कि रिया की लिस्ट, सुशांत की लिस्ट, इन सब की चीज़ें पता होगी। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ TV ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ कि सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेट कह लो हमारे लिए, वो सामने आया था मीडियम, तो कुछ लोग करते होंगे इसका, ठीक है, अच्छे से नहीं इस्तेमाल, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में आपको जितने ऑप्शंस मिल जाए ना उतना ही बेटर है। टीवी वालों को डर है कि हाँ उन्हें अभी पता चल जाएगा, ठीक है, जब वो कोई भी खबर आती है ऐसी और खुशकिस्मती से अगर सोशल मीडिया पर वो ना हो ना तो उनकी शक्ल देखना आप ऐसे चमक रहे होते हैं पहली बार हमारे चैनल पे, ये आपको पता चलेगा। तो ठीक है, कंपटीशन करना, एक हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड, लेकिन आप कंपटीशन के नाम पे ख़त्म ही कर दो ना अपना जो आप 4th पिलर, हमने खुद को, मीडिया खुद को ही, कोई और नहीं कहता कि इट्स अ 4th पिलर, तो आप धीरे धीरे उस में दीमक लग जाएगा और लग गया है और पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है, 5 साल कम नहीं होते अगर आप एक ही जर्नलिज्म को पढ़ रहे हो मास कम्युनिकेशन में, तो मुझे लगता है कि अगर एक एक बच्चा भी, एक एक युवा भी ये सोचेगा ना कि हमें ये नहीं करना, ये जो TV में दिखाया जा रहा है, ये जो कर रहे हैं, सो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अ चेंज। बट थानू नहीं लगता कि यूथ जो अगे ही नहीं आ रहा, यूथ नू लगता भी ठीक है जिदा चलता सिस्टम चली जान दो। जो तुम पॉलिटिक्स की गल की सी कि जो किसी ने भी राजनीति के आना हों तो वो अक्सर ज़्यादा मैटर नहीं करता हों कि उन्हें वो पढ़िया लिखिया जा नहीं पढ़िया लिखिया, हूँ सेम चीज़ा जड़िया ने वो हो रही ने। तो तुम इस चीज़ को जानते भी हो कि कुछ चैनल जोड़े सरकार ने, तो फिर वो सरकार के हित की ही गल करे तो सरकार तो बाहर नहीं जाएंगे। पर थानू नहीं लगता कि कितने जोड़े मीडिया वाले ने जिन्होंने बहुत समा लगा के पत्रकारी की है तो अपना जमीर मार रहे हैं कि जिहड़ियां सरकार दियां जिहड़ियां किसान मारू नीतियां ने जां होर बेरोज़गारी नूं लैके बहुत सारे मसले ने जिहड़े उह दिखाउण दे विच झिझक कर रहे हैं, तो मीडिया जिहड़ा उहदा भविख किधर जाएगा, तो जिहड़े असी लोग सारे कर रहे हैं जर्नलिज़म तो असी किधर नूं जावांगे। एक टेंडर एज में जब बच्चा ने जॉब करनी है मीडिया में, ठीक है, बड़े एथिक्स के साथ कि हम तो मतलब ना जोश पूरा होता है कि सब कुछ एक्सपोज कर देंगे जो गलत नीतियां चल रही हैं सब कुछ, लेकिन जब वो धीरे धीरे फील्ड में आता है, ठीक है, आप भी आए होंगे, सबसे पहले लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि नहीं तू कित्थे जाएंगी, तू फील्ड शामी जे कुछ हो गया तू कित्थे जाएंगी उत्थे, है ना, तो तेनू फैमिली का देखना पैना है। सो ये सब चीज़ा ये प्रॉब्लम्स हैगियाँ तो वो सानू फेस करनिया पैनिया, ठीक है, हम वो फेस पहले भी करते आ रहे हैं, अब भी और भी करेंगे। और धीरे धीरे वही जब ओनर्स अगर जर्नलिज्म फील्ड से ना हो
तो वो जो बच्चा जर्नलिज्म करके आया है तो उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है। मेरा ये सोचना है कि अब हार मानने वाली बात नहीं है। अगर कल को मैं कहीं जॉब पे जाती हूँ कि मुझे ये करना है और मैं कहती हूँ कि मैं इस मुद्दे पे ऐसे नहीं दिखाऊंगी जो सच है या वो, तो वो कितनों को निकाल देंगे अपनी फर्म में से? सारे अगर यूथ इकट्ठे हो जाएं, एक ही फर्म की बात ले लो कि नहीं ये गलत है, आप क्यों सरकार सरकार कर रहे हो, है ना, तो वो कितनों को निकालेंगे, ठीक है। अब ठीक है, प्रोटेस्ट आम बात हो गई है इंडिया में और कोई ज़्यादा ताजुब की बात नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता इनको, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ठीक है कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो यूथ कैन यूनाइट, इकट्ठा होके वो बात कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर यही यूथ अगर कल को मैनेजमेंट टीम में बैठता है या ओनरशिप में आ जाता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। अगर उसने भी वही किया जो पहले चल रहा था तो वो बहुत दुखी है। पर साक्षी तुसी बहुत समा मतलब काम भी किया मीडिया दे विच, मीडिया अदारे दे नाल इक दे नाल जुड़े भी रहे तुसी, उदे दौरान एक औरत होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते किन्निया क प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ओह मतलब एक कुड़ी नूं आउंदियां ने, क्योंकि मैनू भी आईयां थानू भी आईयां, पर कुड़ियां नूं किन्ना क स्टैंड जिहड़ा करना चाहिए, क्योंकि असीं फील्ड च देखदे हां ते फील्ड च बहुत घट कुड़ियां होंदियां, ज़्यादा एंकरिंग वल ध्यान दिंदियां भी सानू एंकर ही बनना पैना, असीं एंकर ही करना, जां फिर कुड़ियां नूं लास्ट ऑप्शन हुंदी डैक्स दे काम कि वह डैक्स से जान बस टाइपिंग करन होर कुछ नहीं वह कर सकदियां। इस तरीके दे नाल क्योंकि मीडिया दे विच तां सारयां नूं बराबर समझा जाता कि मीडिया लाइन से जिहड़ा आया उन्हें तो ढलेदार काम करना, उन्हें सच्चाई दिखाउणी है, बट असी उन्हां दे विच ही कहते उलझ जाने कि सानू लगता भी नहीं जो इन्होंने कहते सानू मनना ही पैना ते असी कर ही नहीं सकते। इस तरीके दा चीज़ां जिहड़ियां वह क्यों हुंदियां ने? वैसे ये सिर्फ मीडिया में नहीं है, आपको पता होगा हर एक दायरा जो भी हर एक क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लड़कियों को। लेकिन अगर जिस टाइम अगर आप ऑफिस में खड़े हो, आपको ऑफिस जो सर कह रहे हैं कि नहीं तुम ये वाली स्टोरी नहीं करोगी, यहाँ पे बहुत रश होगा या शाम को जाना पड़ेगा, तो उस टाइम हमें ही स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि हाँ हमारी फैमिली सपोर्टिव है, हम मैं बता के आई हूँ कि हाँ मैं मीडिया में हूँ। अगर एक लड़की मीडिया में आ गई है तो रिस्क लेने पड़ेंगे, उतने ही रिस्क जितना एक लड़का लेगा, ठीक है। तो वो खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, तो और वो आसान कर देता है लड़कों के लिए काम अगर हम ही पीछे हट जाएं, ठीक है, कि मैं इट्स ओके मैंने सिर्फ मेकअप करना है। एक तो ये बहुत होता है एंकर्स को कि सुंदर दिखने चाहिए तभी लेंगे, मतलब ठीक है कैमरे को सुंदरता पसंद है, ब्यूटी पसंद है, लेकिन आप किस तरह से मापते हैं उसे वो बिल्कुल सही नहीं है। मेरी फ्रेंड ही थी तो उसने बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स थे, नॉलेज थी, तो उसे जॉब नहीं मिली एंकर की ही, तो कहते नहीं कैमरे में आप जज नहीं रही हैं, मतलब अब सिर्फ आप पहले जचने फिर आप ऐसे ही कीजिए, एक्ट्रेसेस को लाइए, बोलना उन्हें भी आता है, उन्हें ही बिठा दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हर एक फील्ड में लड़कियों को फेस करना पड़ेगा ये सब, लेकिन हम ही खुद के लिए आवाज़ निकाल सकती हैं, ठीक है। और विमेन सपोर्टिंग विमेन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके ही फॉर्म में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ही बोलना पड़ेगा, किसी और लड़की के लिए बोलना चाहते हो तब भी बोलो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर जे गल करिए असी मीडिया की, आप मीडिया से चर्चा विचार जोड़े कर रहे हैं कि रिसेंटली हालात मीडिया के कहोजे बनते जा रहे हैं, तो जोड़े बच्चे जर्नलिज़म कर रहे हैं उन्होंने की अपना भविख नज़र आ रहा, जनू भी लगता कि नहीं जिमें ये चल गए तो असं भी अं चल जाएंगे, जानू किसी होर फील्ड से जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे योजे लोग देखे जिन्होंने की जर्नलिज़म है पर कोई फोटोग्राफी से चले गया, कोई डायरेक्शन लाइन से चले गया, उन्होंने लगा भी नहीं पत्रकारी से साढ़े पैर नहीं जमने तो इसलिए सानू पत्रकारी जी छड़ देनी चाहिए। तो फिर की लगता कि सरकारों को करना चाहिए कि जो फिर मतलब पत्रकारी रखनी चाहिए सबजैक्ट, जनू छड़ ही देना चाहिए, डिलीट ही कर देना चाहिए, फिर कोई होर ऑप्शन दे देनी चाहिए? ऐसे मत बोलो, जो कुछ युवा हैं जो अभी भी पॉजिटिव हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब क्राइसिस चल रहा है ये समझ के चलो, जैसे अभी पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमी का, हर चीज़ का, वैसे ही हमारे इंडियन जर्नलिज्म क्राइसिस में है, तो उसे कैसे बाहर निकालना है वो हमने ही देखना है। तो ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग होंगे कि इसमें चले जाओ उसमें चले जाओ, पर नहीं, होप्स अगर छोड़ दी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम टिके हुए हैं होप्स में और साथ में साथ डेडिकेशन, इफ़ यू आर रीडिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, बैचलर्स कर रहे हो आप जर्नलिज्म में, तो आपको कहीं ना कहीं उन 3 सालों में से कुछ ऐसे पल होते होंगे कि नहीं, मुझे भी अगर मैं कहूँ ना पहले साल में थी ना तो सब बहुत मेरे घर वाले या सारे जने ओ मीडिया में है, आप तो मीडिया में है, और अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ पहला साल है, अच्छा मीडिया में हो,
क्या चल रहा है मीडिया, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन लोगों के कहने पे मत आओ, अगर आपने सोच लिया है, थाम लिया है कि आपको करना है, और ये जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, अगर आपने एक अच्छा एग्जांपल दिखाना है कि मीडिया बैक टू अपने जो फोर्थ पिलर जो हम कहते हैं, एक पॉजिटिव इमेज जो हमारी मीडिया की है वो वापस लाने में हम ही काम कर सकते हैं। फील्ड के विच केड़े लोग होने चाहिए ने कि जेडे लोग सुजजे ढंग दे नाल सानू इनफॉर्मेशन जेड़ी ओह पहुँचा सकन, क्योंकि जेड़ा बंदा फील्ड च हुंदा उही स्प्रेड करदा चंगी चीज़, ते जदों फील्ड च उहो जे लोग होणगे ते उह चंगी चीज़ सुना तो असीं उम्मीद नहीं रख सकते। की लगदा कि किन्ना क क्वालिफाइड होना चाहिए उह फील्ड दे विच, मतलब क्योंकि तुसीं वी फील्ड च जाना, मैं भी गई सीगी, होर भी बच्चों ने जाना होगा जिन्हां ने सोचा ही कल्ला फील्ड च रहण दे, ते उह किवें एडजस्ट कर सकदे ने, ते की उहनां दी क्वालिफिकेशन होनी चाहीदी है, क्योंकि हुण जिहड़ी आ उह शायद घट ही आ। ये ट्रेंड ना पहले था थोड़े सालों पहले कि आपको अगर अच्छा बोलना आता है, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, प्लस टू पास की है, तो आप रिपोर्टर बन सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपने एक इन्फॉर्मेशन ही बतानी है। लेकिन आज ये सिनेरियो बदल चुका है, ठीक है, अगर आप एक हेल्थ डिपार्टमेंट में या कोई साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो अगर आपको उसके बेसिक्स ही नहीं पता होंगे ना, तो आप इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं निकाल पाएंगे, वो गेट कीपिंग हो जाएगी कि आपने जो आपको पता था वही आपने बता दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम स्ट्रेस करते थे कि इस बात पर कि पॉलिटिशियंस को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो जर्नलिस्ट जिन्होंने उनके जो ये पावर मिसयूज़ करते हैं उनको एक्सपोज करना है, तो उन्हें तो डबल पढ़ना चाहिए। तो ये जर्नलिज्म फील्ड अगर बनी हुई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स है, ठीक है, तो उसका उस फ़ायदा भी तो हो, उन्हीं बच्चों को जगह मिलनी चाहिए जिन्हें पता है फील्ड्स के बारे में। तो वो जो अभी बस ट्रेंड था कि प्लस टू किया आपने, ठीक है, ये सब अगर आपके फैमिली फादर आपके अगर मीडिया में है तो आप भी बेटा नहीं, पर ये ऐसा नहीं चलेगा, वो आपको उसके काम में भी दिखेगा कि उसको कितनी की नॉलेज थी, और वो न्यूज़ पे भी और पूरी जो इंस्टीट्यूशन है उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो वो ओनर्स को भी अब धीरे धीरे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम अब बच्चे लें न्यू, तो वो भी जर्नलिज्म के हों, मास कम्युनिकेशन के हों, उन्हें पता हो, तो तभी तब्दीली आएगी। बट सब तो वड्डी गल जो असी ट्रेनिंग करन दे लई जाने ते सब तो वड्डी गल ये भी निकल के सामने आती है कि ट्रेनिंग जिहड़ी उहदे विच ज़्यादा नहीं सिखाया जाना, एक कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जिहड़ा असी तुहानूं सिखावांगे, इहदे ते की कहना चाहुंदे? ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ ना मैं, तो ठीक है, पहले ही सुना ये था कि आपको अगर आप प्रिंट में करते हैं तो आपको सिर्फ एक अखबार दे देंगे, आपको 30 दिन वही एक अखबार पढ़ते जाना है। लेकिन मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम उनके पीछे पड़े ना, अगर हम उनसे सवाल करें, अगर हम उनसे काम मांगे, उनसे समझने की कोशिश करें, तो वो ना नहीं कर सकते। एक बार ना करेंगे, दो बार ना करेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको मिला हुआ है कि आपने यहाँ ट्रेनिंग करनी है, तो वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, हमें बस सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए ट्रेनिंग का, समझना सीखना कुछ नहीं। लेकिन अगर ये खुद पे ही है, अगर आप उनसे काम निकलवाएंगे, तो मुझे याद है कि मैंने कोई स्टोरी की थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज़ मुझे ये बताओ कि ये कैसे कैसे, वो कहते कोई बात नहीं, हमारे पास सीनियर एक जर्नलिस्ट है जो जॉब करती है, वो बताएंगे। मैंने कहा नहीं सर, मुझे पता है, मुझे आप बताइए। तो वो अभी भी मुझे उनसे बात होती है मेरी उनसे, तो वो कहते हैं पता लग गया था तुम्हारा, कि जब तुम्हें खुद को अगर वो होना कि आपको जानना है या सीखना है, तो तब आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि ये ट्रेनिंग है वो कुछ नहीं करवाते या ऐसा कुछ नहीं है। सो अंत दे विच की मैसेज देना चाहते हो ते की भविख लगता एक पत्रकार का? क्योंकि मैं बार बार एको गल कर रही हाँ, पत्रकारी जिहड़ी अज गवाचदी जा रही है, ते तुसी की आस करदे हो पत्रकारी तो, किहो जी पत्रकारी होनी चाहिए, ते नौजवान पीढ़ी नूं उहदे लई की करना पवेगा? बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म जर्नलिज्म हो हल्ला ये हो गया हाय हाय, कुछ नहीं। तो अब ये क्राइसिस से बाहर निकलना है, हमें निकलना पड़ेगा, और जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उन्हें ही, अगर जो बाहर निकलने के लिए क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए यही जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कॉपियों पे, एथिक्स एथिक्स एथिक्स, ये आपको प्रैक्टिकली फील्ड्स में लाना पड़ेगा। कि अगर आपको कभी भी बाय, हमें यही सिखाया जाता है पहले तो एक साल की, बायस नहीं होना आपने, आपने किसी का साथ नहीं देना है, ठीक है, किसी से आपको सैलरी नहीं मिलनी है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप पर्सनली अपनी ज़िंदगी में लोगे ना, तब इम्पॉर्टेंट होगा। ये ना वैसे कहते हैं कि अगर 30 बच्चे एक वाइज की गल कर दी, मैं इतनी ख़त्म कर देना सीगा, पर तुसी गल का सिलसिला जिहड़ा नाल जोड़ दिता,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਟੀਚਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਬ ਔਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਬ ਕੁਛ ਟੀਚਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਜੋ ਉਸਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਭੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਥ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਤਨੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਵੋ ਬਾਇਸਡ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਸਿਰਫ ਐਥੀਕਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਯਹਾਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਯੇ, ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੋ ਵੋ ਸਭ ਆਪ ਪੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਕਿ ਯਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਪਰਸਨਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਪਾਠਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ID ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਟਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।